हाय गाइज, आपका स्वागत है सरिता की दुनिया में। तो देखिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं तैयारी कर रही हूँ चिली पोटैटो बनाने की। आज चिली पोटैटो हम दोनों माँ बेटा को खाने की इच्छा हुई तो कहीं चलो बनाती हूँ। और आज है 22 दिसंबर। मैंने अपने घर में दिया बत्ती जला दिया है और दिया बत्ती जलाने के बाद मैं मार्केट में जाऊँगी। मार्केट से भी कुछ सामान वगैरह लेना था तो लेने गई थी। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आज मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि 22 तारीख है। मैं 19 तारीख समझ रही थी, बट मेरे हस्बैंड, जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, आज ही 22 तारीख है। मैंने बोला कि मार्केट में गई थी, मंदिर वगैरह सब चमक रहे थे और खाना वगैरह बन रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे आज ही तो 22 तारीख है। तो फिर मैं लौट करके आई थी, दोबारा से स्नान वगैरह करके फिर मंदिर में आई थी राम जी को दिया बत्ती जलाने के लिए, राम जी के मंदिर में। तो यहाँ का व्यू देखिए, और देखिए कितना अच्छा से सजाया गया है मंदिर को। आपको अंदर प्रवेश द्वार के अंदर से ले जा रही हूँ। और मंदिर, यहाँ पर दो मंदिर है, दो इसी ग्राउंड के अंदर दो मंदिर है। और यहाँ पर बहुत सारे भक्त जन आए हुए थे और बहुत आए हुए थे जो गाना बजाना कर रहे थे। मैं नहीं जान रही थी कि वो लोग कौन हैं। और यहाँ पर फंक्शन वगैरह हो रहे थे तो मैंने दिया बत्ती करने के लिए मंदिर के अंदर चली गई थी। और दरवाजे पर मैंने दिया लगाया, पहले दरवाजे पर दिया लगाया, उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश की। बट मंदिर का वीडियो ज़्यादा नहीं ले सकती थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन था फ़ोटो नहीं लेने का, तो यहाँ तक मैंने लिया। और यहाँ पर जैसे ली तो मंदिर के पंडित ने बोला कि नहीं, यहाँ पर फ़ोटो नहीं लेना है। तो फिर उन्होंने, देखो यहाँ कैसे होता है, यहाँ वो पता नहीं उससे हम लोग के माथे पर वो किए। और फिर मैंने यहाँ पर दिया भी जलाया, इस मंदिर उस मंदिर दोनों मंदिर में दिया जलाने के बाद इस जगह पर भी दिया जलाई थी। और दिया जलाने के बाद देखो फिर मैं दूसरे मंदिर में भी प्रवेश की थी, वहाँ पर भी पूजा की थी। और यहाँ पर गुम्बद के पास भी पूजा की। और उसके बाद मैं निकल ली और वहाँ से लौटते वक्त में मैंने गोलगप्पा के दुकान पर गई, गोलगप्पा वाला है, गोलगप्पा वगैरह ली। आई थी पहले गोलगप्पा खाने के लिए बट पता चला था कि नहीं आज ही है तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं दोबारा आई थी तो खाई गोलगप्पा। और यहाँ पर चाट भी ये बना रहे थे बट चाट मैंने नहीं लिया है, सिर्फ गोलगप्पा लिया है। और यहाँ से फ्रूट संतरा ली हूँ। और संतरा लेने के बाद मैं और कुल्फ़ी भी मैं ली हूँ, इतने ठंड, आप कहोगे इतने ठंड में और रात के टाइम में कुल्फ़ी, बट यहाँ ठंड तो पड़ती नहीं है कुल्फ़ी, तो हम लोग दोनों माँ बेटा ने यहाँ पर कुल्फ़ी खा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा फनी लग रहा होगा कि इतनी रात में कुल्फ़ी। और यहाँ देखिए, मैं आलू को काट करके पानी में, दो तीन पानी से धो के पानी में रख के गई थी, तो यहाँ पानी निकाल के मैं इसमें नमक, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी मिला करके इसमें थोड़ा, दो चम्मच मैंने यहाँ पर मिलाई हूँ कॉर्नफ्लोर, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं फिर से यहाँ पर मैदा मिला रही हूँ दो चम्मच। तो दो चम्मच पहले अरारोट मिलाई थी, दो चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा मिलाई हूँ, मिक्स करूँगी। और जैसे थोड़ा सा अगर इसका टेक्सचर ढीला होने लगे तो फिर लास्ट में एक चम्मच दो चम्मच अरारोट फिर से मिला सकते हैं। और अब तेज आंच में तेल गर्म होने के लिए डाल दी हूँ। तेल इधर गर्म हुए, तेल गर्म अच्छे खासे हो गए तो मैंने इसमें एक एक करके सभी आलू को डाल दे रही हूँ। और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो तो इसके लिए फिर आंच को धीमा कर देती हूँ, पहले थोड़ा तेज आंच में इसको तेल गरम करने के बाद फिर हल्का सा धीमा कर देना है आलू पकने के लिए, ताकि अंदर तक आलू पके और क्रिस्पी हो आलू। तो मेरे आलू एक बार में ही क्रिस्पी हो गए थे, दोबारा से मुझे करना नहीं पड़ा था। अगर आपके आलू मुलायम हो जाए मसाला बनाते बनाते तो आप दोबारा से इसे फ्राई कर लेना, बट मेरे नहीं हुए थे तो मैंने यहाँ पर मिर्ची और प्याज को छोटे छोटे एकदम टुकड़े में करके इसे पहले हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन मिला दिया। अदरक लहसुन ज़रूर मिलाना होता है चिली पोटैटो में, उसी से इसका टेस्ट आते हैं। और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद देखिए, एक प्याज को मैं लंबे लंबे चॉप की और
शिमला मिर्च को भी लंबे लंबे चॉप की हूँ, और इसे एकदम थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसकी क्रंचीपन फिर चले जाएंगे, इसलिए तो इसे बहुत कम, मतलब 2-3 मिनट से पकाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल दिया, और कश्मीरी मिर्च डालने के बाद मैं इसे फिर चला करके पकाऊंगी। चला के पकाने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी नहीं तो गीला गीला सा हो जाएगा, सूखा बनाना था। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस भी मिलाई हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर केचप मिला दी हूँ। सॉस केचप अगर मिलाते हैं, टमेटो केचप मिलाते हैं तो कम मिलाइएगा, सॉस मिलाते हैं तो थोड़ा अधिक मिला दीजिएगा क्योंकि केचप मीठे होते हैं। और यहाँ पर मैं पहले से आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी मिला के घोल बना के तैयार करके रखी हुई थी, तो वो घोल को इसमें मिक्स कर दी हूँ। कॉर्नफ्लोर के घोल वो मैंने इसमें मिला के इसे चला के थोड़ी देर पकाऊंगी। थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसमें सारे आलू को डाल दी, जल तुरंत पहले आलू नहीं डालना है नहीं तो आलू गल जाएंगे, तो इसलिए जब पूरे मसाले आपके अच्छी तरह से पक जाएँ तो आलू को डालिए और तुरंत 2 मिनट में ही निकाल लीजिए। और यहाँ पर देखिए मेरे चिली पोटैटो बन गए और बहुत टेस्टी बने थे। और रात का टाइम है, मेरे आँख में दर्द है तो यही देखिए दवाई डाल रही हूँ आँख में। और इसके बाद मैं सोने के वक्त अपने लिए ये संतरा है, संतरा खाए थे, इसके छिलके थे तो छिलके को मैंने पीस लिया। इसमें एक चम्मच कच्चा दूध मिलाने के बाद मैं इसमें संतरा की रस मिलाई हूँ, और संतरा का रस मिलाने के बाद इसमें नारियल का तेल और ये टमाटर का जूस ये सब मिला दूँगी, और उसके बाद इसके रस अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। रस निकालने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच मैदा मिलाई हूँ, 1 चम्मच मैदा, न चावल का आटा न बेसन कुछ भी नहीं, मैदा। और मैदा स्किन को साफ करने में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इसके घोल बना करके मैं आपको अपने हाथ में लगा के दिखाती हूँ। अपने हाथ से हल्के हल्के से पूरे चेहरे पर हाथ में लगा लें, उसके बाद सूखने तक छोड़ दें। सूखने के बाद इसे अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से हटा दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। और अब देखिए पहले से साफ़ हो गए। तो बस फ्रेंड यहीं पर वीडियो को स्किप करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।